अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बताएंगे, जो कि यूट्यूब वालों का नया अपडेट था कि किसी भी चैनल पे एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा। यानी 4000 हर्ट्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर के साथ साथ ये भी शर्त उन्होंने लगाया था कि एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक किसी भी चैनल पर न आया हो। जिस चैनल पर ये स्ट्राइक आ गया हो तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाएगा। तो अब मेरे चैनल पे भी ये एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है तो क्या मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा? बिल्कुल इस तरह बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मैं आप लोगों को फुल प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाऊंगा, उसके लिए हमारे इस वीडियो पे एंड तक रहिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि वार्निंग, जब ये एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जब आ जाता है हमारे चैनल पे, उसके सॉल्व करने का, उसके हटाने का तरीका क्या है? तो दोस्तों, उसके हटाने का तरीका सिर्फ एक ही है, इसी वार्निंग पे क्लिक करके वहाँ से अपील कर ली। अगर आप लोगों की अपील को कबूल करेगा तो आप यहाँ से एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को वो हटाया जाएगा। अगर रिजेक्ट किया जाए, रिजेक्ट आप लोगों की अपील को रिजेक्ट करेगा तो वो हमेशा के लिए ये वार्निंग का ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों की चैनल पे मौजूद होगा। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, ये हमेशा के लिए है, लेकिन हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वो किस तरह, मैं आप लोगों को दिखाऊं। पहली मरतबा तो मैं भी बहुत परेशान हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, इस तरह बात नहीं है, बल्कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों के भी चैनल पर इस तरह एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यानी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें, वहाँ से यूट्यूब ओपन कर लें, फिर क्रिएटर स्टूडियो पे आ जाएं। वो सब चीज़ आप लोगों को मालूम है, इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ। क्रिएटर स्टूडियो पे आने के बाद यहाँ से चैनल डैशबोर्ड खोल ओपन कर ली, जिस तरह कि मैंने ओपन कर लिया इस तरह का इंटरफेस से चैनल डैशबोर्ड का। फिर यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा वार्निंग, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। अगर आप लोगों के चैनल में वार्निंग इस तरह आ चुका है, आप लोगों ने भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप लोगों का भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। वो किस तरह, मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। अगर आप लोगों के चैनल में वार्निंग आ चुका है, एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये डॉलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जूम करके दिखाऊँ, ये डॉलर, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ से देख के आप लोग देख सकते हैं, तीन ऑप्शन है, 1000 सब्सक्राइबर्स और दूसरा 4000 वॉच टाइम और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ये देखिए, वहाँ पे एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुका था, वार्निंग भी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, यानी हमारे चैनल पे कोई एक्टिव गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आ गया है, तो इस वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज शर्त पूरा है, देखो देख सकते हैं आप लोग भी। अगर आप लोगों के चैनल, आप लोगों के भी चैनल में इस तरह वार्निंग आ गया हो तो आप लोग इस तरह इस डॉलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें, फिर यहाँ से आप लोग देख लें। यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों के चैनल पर स्ट्राइक आ गया या नहीं। अगर आप लोगों के चैनल पे स्ट्राइक नहीं आया है तो यहाँ से ये लिखा हुआ होगा, जैसा कि मेरे चैनल पे है 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, तो आप लोगों का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप लोगों के चैनल पे एक या दो स्ट्राइक आ गया तो यहाँ पे एक या दो शो हो जाएगा, फिर उसके लिए आपने अलग से कोशिश करना है कि उस स्ट्राइक को आपने हटाना है अपने चैनल से। उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को उसी में बताऊँगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को कैसे चैनल से हटाया जाता है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा और आप लोगों को इस वीडियो से मदद भी मिली होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।